अंतरिक्ष में जाए। मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। दोस्तों, हमारा भारत फिर से इतिहास रचने जा रहा है। हमारे भारत के वैज्ञानिक यानी इसरो के वैज्ञानिक एक ऐसा कारनामा करने जा रहे हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, इसरो ने एलन मस्क को भी चुनौती दे दी है। दोस्तों, अगर हमारा भारत ये उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो नासा को भी टक्कर दे सकता है। हमारा भारत नासा से भी आगे चला जाएगा। पूरी दुनिया में हमारे भारत का ही बोलबाला होगा। हमारा भारत अंतरिक्ष दुनिया का बादशाह बन जाएगा। हमारे भारत की धाक अंतरिक्ष में होगी। तो दोस्तों, हमारा भारत ऐसा क्या करने जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक इंसान को दूसरे ग्रहों पर रहने लायक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक इंसानों में ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चांद और मंगल ग्रह पर रह सकें। दोस्तों, विज्ञान को कहना है कि इस धरती पर इंसानों के पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द इंसान विलुप्त हो जाएगा, इसलिए हम सबको दूसरे ग्रहों पर ठिकाना ढूंढना होगा। और दोस्तों, इसी क्षेत्र में हमारा भारत बहुत तेजी से लगा हुआ है। हमारा भारत भारत के वासियों को दूसरे ग्रह पर पहुंचाने की बड़ी तेजी से तैयारी कर रहा है ताकि भारत के इंसान जीवित रह सकें। अगर दुनिया में कोई भी मुसीबत आती है तो भारत के इंसानों पर उसका कोई असर न पड़ सके। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नया भारत बसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारा भारत चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मंगल मिशन भेजकर इतिहास रच चुका है। और दोस्तों, अभी भी खबर आ रही है, दरअसल भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना रहा है ताकि भारत के लोगों को अंतरिक्ष का सैर करा सके। दोस्तों, इसरो वर्तमान में दुनिया के 61 देशों के साथ अंतरिक्ष गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। दोस्तों, विश्व के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी, जेफ बेजोस की कंपनी भी अंतरिक्ष बाजार में पांव उतार चुके हैं, जो लोगों को शून्य गुरुत्वाकर्षण में पर्यटन उड़ानों पर ले जा रहा है। अब भारत भी वैसा ही करने जा रहा है। दोस्तों, हमारे भारत के वैज्ञानिक एलन मस्क और जेफ बेजोस को भी चुनौती दे चुके हैं। दोस्तों, जिस तरह जेफ बेजोस का न्यू शेफर्ड अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में जाकर लोगों को सैर करा चुका है, जिसमें यात्री अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को देख सकते हैं जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, सेम उसी तरह भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में लग चुका है। वहां से आप पृथ्वी को आसानी से देख सकते हैं, आप धरती से अंतरिक्ष की सैर भी कर सकेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, इसरो वर्तमान में कई अन्य मिशनों पर काम कर रहा है, क्योंकि इसरो का सबसे अहम टारगेट गगनयान मिशन है, जिसके जरिए इसरो अपना पहला मानव अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। और दोस्तों, आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि वो 2023 तक गगनयान को लॉन्च कर देंगे। दोस्तों, गगनयान मिशन में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। 2030 की गगनयान की असली उड़ान से पहले 3 टेस्ट मिशन भी भेजे जाएंगे। ये 3 टेस्ट मिशन मानव रहित होंगे और इनमें भारत का एक ह्यूमनॉइड यानी रोबोट को भेजा जाएगा। इसीलिए इसरो ने व्योम मित्र नाम की महिला रोबोट तैयार की है, जिसे अंतरिक्ष में सभी रिसर्च के बाद भेजा जाएगा। ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष से इसरो को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। और दोस्तों, आपको बता दें, गगनयान 3 ट्रायल में कंप्लीट होगा। पहला ट्रायल मानव रहित होगा, उसके बाद दूसरे ट्रायल में व्योम मित्र नाम की एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों ही ट्रायल 2022 के आखिरी तक किए जाएंगे। ये मिशन कामयाब होने के बाद ही तीसरी बार में इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी की जाएगी। तीसरे मिशन की स्पेस फ्लाइट में 2 इंसानों को भेजा जा सकेगा। ये लोग 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स को रूस भेजकर स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी दी गई है। इन एस्ट्रोनॉट्स को गगननॉट्स बुलाया जाएगा। और दोस्तों, यही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रमा और मंगल पर सफलतापूर्वक मिशन शुरू करने के बाद शुक्र पर विजय प्राप्त करना चाहता है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने पिछले दिनों कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी के पास बेहद कम समय में यान बनाने
बनाने और लॉन्च करने दोनों की क्षमता है। और दोस्तों आपको बता दें, सबसे खास बात यह है कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए दो प्रोब मिशन की घोषणा की हुई है और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी तीसरा ऐसा संगठन है जो शुक्र ग्रह के लिए अपने मिशन पर तेजी से काम कर रही है। और दोस्तों अब हमारा भारत शुक्र ग्रह यानी नरक की दुनिया में जाएगा और वहाँ पर जीवन की तलाश करेगा। दोस्तों विज्ञान को कहना है कि एक समय था कि शुक्र ग्रह पर भी जीवन था, शुक्र ग्रह पर पानी का भंडार मौजूद था। शुक्र ग्रह पर जीवन कैसे खत्म हुआ, क्या शुक्र ग्रह को इंसानों लायक बनाया जा सकता है, यही सब जानकारी हासिल करने के लिए हम शुक्रयान मिशन बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। और दोस्तों यही नहीं, हमारा भारत बहुत जल्द सूरज को छूने की भी तैयारी कर रहा है, यानी हमारा भारत आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2023 में ये सारे मिशन संपन्न किए जाएंगे। 2023 भारत के लिए इतिहास रचने वाला समय होगा। 2023 में भारत अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। भारत की इस कामयाबी को देखकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से हैरान हो उठे हैं। दोस्तों भारत की इस कामयाबी को हम सबको सलाम करना चाहिए, भारतीय वैज्ञानिकों पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक जरूर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।